तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये हमारे लिए भी सरप्राइज़ है और आपके लिए भी सरप्राइज़ है। हमारी ये अनप्लान जर्नी और अनप्लान ट्रिप है। हम लोग जा रहे हैं श्री सैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, और हमारा रात ही प्रोग्राम बना के कल ज्योतिर्लिंग चलते हैं। तो कहते हैं ना, जब भगवान को बुलाना होता है तो वो खुद से बुला लेते हैं, आप प्लान करो ना करो। तो यही हुआ है हमारे साथ, हमने प्लान नहीं किया था बट हमारा प्लान बन गया। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30, हम लोग कैब बुक करने वाले हैं और फटाफट से जाएंगे बस स्टॉप, क्योंकि हम बाय रोड बाय बस से जा रहे हैं। और पूजा भी हो चुकी है, दिखा देती हूँ, पूजा हो चुकी है। सारा का सारा मैंने सामान जितना था जो जो अवेलेबल था इस टाइम पे वो मैंने रेडी कर लिया है। तो आप लोगों से मिलते हैं बस स्टॉप पे जाके। तो यहाँ पे मैंने चने भिगो दिए, चने और हरे मूंग। सुबह मैं बस एक सीटी लगा दूंगी और ये एकदम हो जाएंगे। यहाँ मैंने बॉटल भी तैयार कर ली, कुछ नट्स रख लिए हैं, वॉलनट हो गया, किशमिश, और ये मैंने पूरा का पूरा अभी बना के रख दिया है रात में। सॉल्ट भी रख लिया और फ्लेक्सी उस पम्पकिन सीड रख लिया थोड़ा मंचिंग के लिए। फ्रूट्स भी रखे हैं मैंने, अनार और कीवी रख लिए, खा पाएंगे तो ठीक है। और इस बैग में मैं सोच रही हूँ इस बैग में कैरी कर लूँगी। और अब सुबह हो चुकी है, सुबह देखो मैंने इसमें एक बॉइल लगा दिया है, एक सीटी वेसल मार दी है और ये बहुत ही अच्छे हो गए हैं। साथ में मैं टिश्यूज़ भी रख रही हूँ और हैंड सैनिटाइज़र। ये हस्बैंड तैयार हो चुके हैं, ऑल सेट, आज थोड़े सिंसियर बन गए हैं क्योंकि भगवान जी के द्वार पे जा रहे हैं। जी मैं तो खुश हूँ भैया। तो जी पहले जब हम लोग इधर कैब से जाएंगे तो कैब से हाफ एन आवर लगेगा बस स्टॉप जाने का, और बस स्टॉप से आराम से 5 घंटे लगेंगे श्री सैलम जाने के। तो टेक कैब आ चुकी है, तो तभी जल्दी 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 करते हैं कैब जल्दी। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं टिकट बुक करने के लिए क्योंकि हमने ऑनलाइन नहीं किया था। तो आगे काउंटर है, वहाँ पर जाके हमें टिकट बुक करना पड़ेगा। ये है बस जा रही है। लोग अभी यहाँ पे रुक गए हैं भाई। आई मम्मी बहुत तेज तेज मार रहे हो बाबू तुम मुझे। तो अभी बस रुकी है 10-15 मिनट के लिए, किसी ने कुछ खाना है ढाबे पे तो खा सकता है। ये देखो कितना अच्छा वेदर हो रहा है। अच्छा फोन गिर जाएगा मेरे हाथ से, लो मेरा फोन दे दो। ये देख लो, आज ये आदमी ना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, इसलिए ये खुश है काफी अंदर से। देख सकते हैं आप इनकी खुशी, ये देख सकते हैं ना, ये देखे ना इनकी खुशी का राज क्या है। कुछ है इनसे, कुछ है ना, कुछ है क्या? मुझे क्या खिला रहे हो अंदर ढाबे पे, क्या खिला रहे हो? यहाँ पे कहाँ पे एटीएम मिलेगा बाबा? चलो जी हम लोग अब जरा कुछ खा पी लेते हैं, ठीक है, कुछ खाते हैं, वॉशरूम वगैरह चल जाते हैं क्योंकि फिर 2 घंटे लगे। यहाँ से 90 किलोमीटर और है दूर, तो लिखा हुआ था तो 90 में 100 होगा, पर पहुंच जाएंगे हम लोग जल्दी। तो आप लोगों से मिलते हैं वहीं पहुंच। अरे मजा आ रहे हो, थैंक यू।
पहुंच गए हैं श्री सैलम मल्लिकार्जुन। दिखा दूं मैं आपको यहाँ का नजारा भी। हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर, सामने है मंदिर, थोड़ा सा वॉकिंग है। और भीड़ तो मुझे सही सही सी लग रही है, ठीक ठाक लग रही है। कुछ लोग तो दर्शन करके जा रहे हैं वापस। और टाइम मैं बता दूँ टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 10:30। तो हम लोग जो बस थी 5:30 वाली बस हमने पकड़ी थी, 5:30 निकले थे, 10:30 पहुँच गए। 5 घंटे लगे, 5 घंटे लगे हैं, उतना लगता ही लगता है। मतलब बस से आओगे, अपनी कार से आओगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो, 4 घंटे लग जाएंगे। तो अब मंदिर में तो शायद फ़ोन अलाउड है नहीं, बाहर का हम आप लोगों को दिखा सकते हैं, बाहर का नज़ारा ज़रूर दिखाएंगे। क्यों भाई? और आज बताऊँ ना, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बहुत क्लाउडी, ठंडा, प्लस बिल्कुल धूप नहीं है, तो बहुत बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। तो हम लोग लेते हैं मज़ा, मंदिर में दर्शन करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं दर्शन के बाद। नहीं, यहाँ पे सामान रखना है हमें, पहले वॉशरूम जाना है। तो हम लोग वॉशरूम देख रहे हैं किधर है भाई, वॉशरूम हैंड वॉश करेंगे उसके बाद जाएंगे। ये लोग यहाँ पे पूजा करा रहे हैं और डिजाइनिंग कराते हैं। दिखाती हूँ और भी डिजाइनिंग जो की हुई है। मैं प्यारा लग रहा है। फाइनली दर्शन हो गए हैं और बहुत ही खुले दर्शन हुए हैं, बिल्कुल भी रश नहीं था, बिल्कुल एकदम बहुत स्मूथली चल रहा था और दर्शन भी बहुत ही प्यारा हो गया। हमने अपना सामान कलेक्ट कर लिया है यहाँ से, फोन भी ले लिए हैं और बैग भी। तुम्हारे शूज ये बड़े हैं, मेरे शूज मुझे और उसे इस बार तो तुम्हें मिल गए दोनों सॉक्स। लास्ट में सॉक्स खो गया था, लास्ट टाइम जो आया था हम रात के 2-3 बजे ढूंढने के लिए आया था, फिर हमें मिल गया था वो। बहन लो हर हर महादेव। ये लुंगी मिल जाती है यहाँ पे, अगर आप शॉर्ट्स पहन के आ रहे हो तो आप लुंगी पहन सकते हो, और अगर आपकी इच्छा है तो भी। ये प्रसाद है, तो गाइस दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं, प्रसादा भी ले चुके हैं, सामान भी कलेक्ट कर चुके हैं, शूज भी पहन चुके हैं। हाँ, शूज भी पहन चुके हैं और आज हमें दोनों शूज मिल गए और दोनों सॉक्स भी मिल गए। लास्ट टाइम इनको सॉक्स नहीं मिली थी, इनकी सॉक्स खो गई थी। अब कुछ खाने का मन कर रहा है, पहले तो पानी पीने का मन कर रहा है, मेरे को अगर कोई डिस्पोजल ग्लास मिल जाए। वही चलते हैं जब लास्ट टाइम यहाँ पे खाया था। हाँ वहीं चलते हैं, एक ही जगह पे चलते हैं। फोन करके बात करते हैं। हाँ, एक बार घर पे बात कर देते हैं, उन लोगों को भी दर्शन करा देते हैं। तो जी यहाँ नींबू पानी पीने की तैयारी चल चुकी है, चुकी है। मसाला डाल दिया इसमें, कैसा लग रहा है? खट्टा। तुम वेट लॉस करके ज्यादा ही वो हो रहे हो, है ना? खुशी का ठिकाना है जी, सब भगवान के मेहमान है। कुछ लेना है तो ले लूं, आओ फिर एक बार देख तो दो, तभी तो लूंगी। मोटी वाली रफल्स चाहिए, इससे मोटी रफल। कुछ और देख लो ना, छोटे देख लो जिसकी लग रही तो है। तो कितने से डिजाइन है? अन्ना से यूट्यूब सब्सक्राइब करवा दो। क्या कह रहे हो? यूट्यूब सब्सक्राइब करवा दो। बच्चों का सामान ज्यादा है यहाँ पे। ये लग रहा है दुकान है ना? ये सब न्यू है क्योंकि यहाँ पे ना कुछ कुछ दुकानें भी बंद हैं।
मोस्टली बिंदी चूड़ी नहीं, उस दिन ये मार्केट से थी तो बंद थी। ओके लगाओ सही लग रहा है, नहीं बड़ा है ज्यादा फेस पे। ये थोड़ा फेस थोड़ा बड़ा रहा है, वैसे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लूज है। 10,000 स्टेप्स हो चुके हैं, वाह। तो अभी एक बजने वाला है, हम वो रेस्टोरेंट ढूंढते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम खाया था, तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ जाके कुछ पेट पूजा करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो सालन खाया था ना वो बहुत ही टेस्टी था, तो हम सोच रहे हैं वही खा लें इस बार भी, क्योंकि हम बहुत टाइम से, हम अगस्त में आए थे लास्ट, ऑलमोस्ट क्लोज टू एक साल हो जाएगा, अब हुआ नहीं पर हो जाएगा, 2 महीने पर है ना, 2-3 महीने में हो जाएगा। तो जो वहीं जा रहे हैं, थक गए हैं, थोड़ा सा लंबा है, अंदर भी थक गए ना असल में, मेरे भी ये कह रहे थे कि वो थके हैं, लेकिन भाई थक जाते हैं ऐसी बात नहीं है, चलते 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 थोड़ी देर बैठे भी नहीं ना इस वजह से, कोई बात नहीं, अब बैठे हैं, कोई बात नहीं। और ये आंटी लेके बैठी है छाछ, छाछ दे रही है। यहाँ पर एपी टूरिज्म, क्योंकि हमें वो वाला रेस्टोरेंट नहीं मिला ना, मुझे उसका नाम याद था हमें किसी को भी, यहाँ कुछ मिलेगा भी है तो मुझे लग रहा है स्टे के लिए, इधर है रेस्टोरेंट, तो लेट्स सी कैसा है। खाली बड़ा है, तो यहाँ से तो बाहर निकल गए क्योंकि यहाँ पे बफे था और उसमें मुझे खाना नहीं था, लिमिटेड था, लिमिटेड चॉइस थी, अनलिमिटेड खाना था, अनलिमिटेड खाना था पर लिमिटेड चॉइस थी इसलिए, और एक प्लेट में ही खा सकता और मैं पूरी एक प्लेट खा नहीं सकती थी, तो थोड़ा सा चॉइस के लिए पूरी साउथ इंडियन थी, ऐसा लपेटती मेरे बीबी। तो जी फाइनली हमें वो रेस्टोरेंट मिल गया है जो हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे, यहीं आए थे हम लोग लास्ट टाइम, रेस्टोरेंट त्रिशूल, तो अभी यहीं चलते हैं अंदर। रिलैक्स्ड, ठंडा ठंडा लग रहा है, हाँ यही था और हम वहाँ बैठे थे। सीरियसली यार हम इतने दूर से आए ना इसको ढूंढते हुए। काजू काजू पनीर और 3 बटर रोटी विद 1 वाटर बॉटल और जो लेना है वो क्या वो भी तो लेना है ना, वो जो साथ में उसने दिया था सालन, हाँ वो दे देंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री वो दे देंगे, कोई नहीं वो मिल जाएगा यार। ये वाइट वाली पापड़ कहाँ से मिलते हैं, हमें पैकेट चाहिए इसका, अम्मा से पूछो ना, प्लीज बताओ ना। अच्छा
लाखों की नहीं मिलती इसमें काजू वगैरह ना टाइम पर ऐसा नहीं है लाखों नहीं तो वो भी आ गया है और बहुत गरम गरम में बहुत टेस्टी लगेगा। लो पहले से खाओ और एक जीरा राइस भी ऑर्डर कर दिया है। सब्जी काफ़ी मच रही है खाने में। बस सर को दे दो कैसा लगा खाना? हाँ अच्छा था। लंच हो गया और अब हम टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं ना। हाँ 2 बज रहे हैं पूरे 2 बजे तो हम टाइम से फ्री हो गए हैं। अब बस का वेट करेंगे ठीक है और 5 आवर्स लगेंगे 4-4.5 घंटे लगते हैं मिनिमम 5 आवर्स मान के चलो। मिनिमम टाइम से मुझे लगता है कि अगर हमें 3:30 निकल गए हाँ 3:30 अगर हमें बस मिली ना तो हम बहुत टाइम से पहुँच जाएंगे। बस में भी रश नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी रश नहीं है तो यहीं से लोग जाएंगे तो वैसे भी रश नहीं होगा। प्लस अब हम आपको कुछ थोड़ा सा इनसाइट दे देते हैं कि अगर आपने हैदराबाद से श्रीशैलम आना है तो आप कौन कौन सी बसेस ले सकते हैं और बसेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर चलते हैं। जैसे हमने 5 o'clock वाली पकड़ी थी तो वो थोड़ा सा लेट थी तो 5:30 तक थी तो 5 बजे होती है 5:30 होती है। लास्ट बस कितने बजे होती है मैंने देखा नहीं है। लास्ट बस का जाने का टाइम हमें यहाँ से पता है कि यहाँ से कितने बजे जाती है उधर से आने का टाइम नहीं पता। हैदराबाद से लास्ट बस कब श्रीशैलम आती है कहाँ से पकड़ी थी हमने बस? हमने MGPS MGPS से पकड़ सकते हो आप बसेस श्रीशैलम के लिए वो डायरेक्ट आती हैं। अगर आप उसको ऑफलाइन लोगे टिकट उसका तो 490 का टिकट पड़ेगा और अगर ऑनलाइन लेंगे तो 580 का है। 580 का है तो हम तो लकीली हमारे पैसे बच रहे हैं पता नहीं कैसे बच रहे हैं। हमने ऑफलाइन ही लिया हमने रात नहीं थी क्योंकि रात बारिश आ रही थी हमारा प्लान चेंज हो रहा था कि हम जाएँ या नहीं जाएँ तो फिर हमने सुबह हमने सोचा कि वहीं जाके ले लेंगे। तो आप वहाँ से लोगे 490 का आपका टिकट होएगा ठीक है। आराम से आओ बैठो उसके बाद दर्शन करो। जब दर्शन करोगे एक तो फ्री वाली क्यू होती है एक होती है जिसमें आपको जल्दी दर्शन लेने हैं तो आने के बाद दर्शन की लाइन लगती है यहाँ पे। एक तो होती है आपकी फ्री क्यू जिसमें आपको लाइन में लगना होगा भीड़ होगी तो आपको वेट कर करके ही जाना पड़ेगा। जब भी दर्शन आपको मिलेंगे भीड़ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप बढ़ोगे। एक होता है शीघ्र दर्शन जिसमें आपको 150 का चार्ज लगता है और एक होता है अति शीघ्र जिसमें आपको 300 का लगता है। आई थिंक वो VIP वगैरह लोगों के लिए होता होगा या आप भी दे सकते हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि VIP जाते हैं तो आप 300 rupees पे करो और आपको बहुत जल्दी से दर्शन हो जाएंगे। तो जी हमारे तो फ्री लाइन में दर्शन हो रहे थे क्योंकि आज बहुत ही कम रश था। भगवान भोलेनाथ की कृपा थी ना लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना तब भी हमारे VIP लाइन में फ्री में दर्शन हो गए थे हमने इसको चार्ज नहीं लिया था तब भी। तो हमारे पे तो शायद से कृपा है भोलेनाथ की जो बुलाते हैं तो फ्री में बुलाते हैं ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाओगे आने के बाद दर्शन करने के बाद मार्केट घूमो और घूमने के बाद आपने खाना खाना है ना तो ये जो रेस्टोरेंट यहाँ पे हमने खाया है ये बहुत अच्छा है। त्रिशूल रेस्टोरेंट वेज है प्योर वेज है त्रिशूल रेस्टोरेंट है प्राइस भी इकोनॉमिकल है हाइजीनिक भी है। हम तो प्रमोशन नहीं कर रहे हमारे थॉट है हमें अच्छा लगा है हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं ताकि अगर आप लोग कभी आए तो आपको भी बेनिफिट हो। और यहाँ पे जो होटल्स वगैरह हैं हमने आज तक होटल लिए नहीं है तो उसका हमें कोई आइडिया नहीं है कि होटल का क्या रहता है यहाँ पे क्या नहीं रहता। पर हम जब लास्ट टाइम आए थे तो हम रुके थे बाहर ही पर मैं सच बताऊँ ना हमें होटल मिला ही नहीं था उस टाइम पे इतना रश था पर हम लोग यहीं पे बाहर ही एक रूम भी नहीं मिला था हमें एक ही रूम नहीं मिला था हम गाड़ी कुछ गाड़ी में सो रहे थे और कुछ बाहर थे बाहर खड़े हुए थे मैं बाहर खड़ा हुआ था उस टाइम हम अपनी कार से आए थे
देखिएगा तो दो लोग बाहर थे और तीन लोग अंदर सो रहे थे। ड्राइवर को हमने सुला रखा था, ड्राइवर साहब, ताकि वो नींद पूरी कर सके। ड्राइवर तुम्हारे लिए ड्राइवर था, मेरे लिए तो साला था, मेरा साला, इनका साला, उसको सुला रखा था ताकि वो अच्छे से ड्राइव कर सके और हमें घर ठीक ठाक पहुँचा दे। पर मैं सच बताऊँ ना, पूरी रात यहाँ रुकने के बाद भी ना हम लोग इतना सेफ फील कर रहे थे ना, इतना सेफ, यहाँ पे कोई डर नहीं था। और तीन तीन बजे लोग आ रहे थे ताकि वो जल्दी से लाइन में लग सके। तो यहाँ पे इतना रश रहता है कि लोग इतनी अर्ली आते हैं ताकि वो लाइन में आगे लग सके, उन्हें दर्शन अच्छे से हो सके। और जी ड्रेस कोड में मैं बता दूँ, आप लड़के लोग पैंट शर्ट में आओ, ठीक है, और अगर पैंट की जगह आप जींस लेके आए थे पर जींस पहनने का टाइम ही नहीं मिला। और मैं सच बताऊँ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जब आप इतनी दूर से आते हो ना तो आपको लगता है फटाफट से दर्शन के लिए भाग पड़ो, तो इसलिए पहले से ही अच्छे से ड्रेसअप होके आओ। लुंगी पहनने तो यहाँ पे 150 रुपीज की लुंगी मिलता है, यहाँ से ले लो और पहन लो, निकल जाओ। लड़कियाँ सूट पहनना है, जीन्स टॉप पहनना है तो लॉन्ग टॉप पहन के आओ, बाकी तो कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसा ही है नहीं। फोन आपके अलाउड नहीं करेंगे, बाहर ही कलेक्ट हो जाते हैं, क्लॉक रूम में बैग्स वगैरह सब कुछ कलेक्ट कर लेते हैं। दे विल चार्ज यू 5 रुपीज पर 5 रुपीज पर फोन आपसे चार्ज करेंगे। बैग का भी कुछ लिया था 10 रुपीज बैग का 10 रुपीज लिया है। तो ये था, अब हम यहाँ से बस लेके घर की और रवाना हो जाएंगे और जाके सो जाएंगे, क्योंकि रात में 3 बजे से उठे मैं और शायद से हम सोए 12 बजे थे, पर 12 से 3 का जो बीच का टाइम था ना 3 घंटे, वो भी हम इफेक्टिवली सोए नहीं है, क्योंकि मैं तो ही सोच रही थी मैं तो खराटे मार के सोया हूँ। झूठे कितने बड़े हो तुम, सुन ना, मैं बताती हूँ नहीं, ये पता था कि मैं सोई नहीं हूँ, ठीक है, कैसे पता था इनको ये, क्योंकि खुद नहीं सोए थे। भाई टेंशन रहती है रात में, यदि आपको कहीं पे जाना होता है तो कम से कम 1 घंटे पहले उठना भी पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो माइंड भाग रहा था, पता नहीं क्या ही सोच जा रहा था। तुम्हें एक्साइटमेंट था ना, भागना, उसे वो भागना नहीं बोलते, उसको एक्साइटमेंट बोलते हैं। क्योंकि मेरे को अनप्लान था यार, रात में मतलब ये लगा लो विद इन 5 मिनट्स मैंने इनको बोला, उन्होंने बोला हाँ ठीक है चलते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। लास्ट टाइम पे भी हमारा कोई डिसीजन नहीं था, बहुत भाई उस टाइम तो मैं 12 बजे निकले थे, 12 बजे निकले थे, हम रात में पहुंचे थे और इतना ट्रैफिक था बहुत ही ट्रैफिक था। आज सर बोलो मैं लोग इतने स्मूथली आ गए हैं, अब बस ऐसे स्मूथली चले भी जाएं। तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अब हम गाड़ी लेंगे, बस लेंगे और घर पहुँचेंगे तो रात हो जाएगी और बहुत टायर्ड हो गई हो रखे हैं, तो अब मैं और शूट नहीं करूँगी। तो इस व्लॉग को, हाँ जी, तो इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार कॉमेंट ज़रूर कर दिया करो और लाइक बटन को हिट कर दिया करो, हमें इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक और कमेंट से। इस चीज़ को ध्यान में रखा करो और वीडियो को एंड तक देखा करो यार, प्लीज़, कुछ ना कुछ तो आपको एंटरटेनमेंट मिलता ही होगा ना वीडियो से। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। इसमें आप हालत देख सकते हो क्या हो रही है, टाइम हो रहा है 6:45, अभी बस यहाँ पर रुकी है। हालाँकि मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने का, पर मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना कि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कितना प्यारा मौसम हो रहा है, और हालत मेरी ही बेकार हो रही है। जितना कैमरे में दिख रहा है ना उससे लाख गुना अच्छा हो रहा है, लाख गुना अच्छा हो रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे ये ले लिए हैं सोया चिप्स, तो मैं ये खा रही हूँ। हमारा टाइम मैनेजमेंट इतना सही रहा है आज कि 9:30 तक आराम से घर पहुँचेंगे ना। मैं तो इसलिए व्लॉग शुरू करा, मैंने कहा यार मौसम इतना अच्छा हो रहा है, देखो पीछे कितना क्लाउडी हो रहा है,
कि हम उतने गंदे हो रहे हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं यार। ये देखो कितना कितना सुंदर लग रहा है, वाह यार। हाँ? सही बता दे। हाँ ठीक है, मगर ना चलो ना। कितने की? ज्यादा है, ठंडी। नहीं मैं वही पानी की बोतल ले देता। ये पैकेट